ये शीट हमने लास्ट टाइम शुरू की हुई थी, इसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन तो किया हुआ था। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बात करें तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू, सपोज किसी क्वेश्चन में क्या गिवन है 3t, और मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो, अगर मेरे को ए से वी निकालना है तो हमने कैलकुलस में किया हुआ है, क्या किया था कि अगर x गिवन है और आपको v निकालना है तो आपको करनी पड़ेगी डिफरेंशिएशन। v से a निकालने के लिए फिर से क्या करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन। लेकिन उल्टा, अगर आपको a गिवन है और आपको v निकालना है तो क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। और v से x पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। जो मैंने आपको कैलकुलस में क्वेश्चन करवाए और जो मैंने टेस्ट में भी दिए वो एक्चुअल में इनकम्प्लीट थे। आपको अजीब लगेगा कि इनकम्प्लीट थे, क्या हम गलत कर रहे थे? हाँ, हम इनकम्प्लीट कर रहे थे, वो फाइनल आंसर था नहीं आपका। आपको कि ऐसा क्यों, वो तो सिर्फ इंटीग्रेशन के स्टेप्स चेक कर रहे थे। अब जो अब करवाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट और फाइनल आंसर ही है, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना लिमिट्स के चलती नहीं है। अब देखो, क्वेश्चन है एक्सेलेरेशन 3t है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन वेलोसिटी निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना है। मैंने आपको याद है जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करवाई थी तो बताया था, या तो एंड में लिख लिया करो इंटीग्रेशन ऑफ 1dx इज एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, हर आंसर के पीछे लिखा करो कॉन्स्टेंट। हम लिखते नहीं थे, बात अलग है, लेकिन रूल ये बोलता है कि कॉन्स्टेंट लिखो, या फिर लगानी पड़ती है लिमिट्स। एक चीज़ करनी जरूरी होती है, अगर आप कॉन्स्टेंट भी नहीं लगा रहे, आप लिमिट भी नहीं लगा रहे, फिर वो इनकम्प्लीट है। और हमने ऐसा ही किया, पर क्योंकि मेरा मेन मोटिव वहाँ पर इंटीग्रेशन सिखाने का था, मेरे को फिजिक्स सिखाने का नहीं था। अब मैं फिजिक्स सिखाता हूँ। तो एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन कुछ कंडीशंस गिवन है। कंडीशन ये गिवन है कि जब टाइम जीरो है, जब बॉडी चली थी, तब वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, 2, और थोड़ी देर में जब टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 सेकेंड, तो बताओ वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन है। तो कंडीशन समझ में आ रही है कि जब चली थी तो वेलोसिटी ले लो, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करके बताना है। आप अपना क्वेश्चन नॉर्मली वैसे ही करें जैसे आप इंटीग्रेशन में करते आए हैं। कैसे, एक्सेलेरेशन क्या होती है, dv/dt, तो आप a की जगह क्या लिख लें, dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, dt राइट साइड पे आ गया तो ये टर्म आ गई। अब आप दोनों साइड्स की करें इंटीग्रेशन। मैंने आपको इंटीग्रेशन करना ही सिखाया, मैंने लिमिट लगानी तो सिखाई नहीं आपको। अब हम लिमिट लगानी सीख रहे हैं, क्योंकि लिमिट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। लिमिट कैसे लगती है, यहां पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो टाइम की ही लिमिट्स लगेंगी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की ही लिमिट्स लगेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू dt है और यहां लिमिट लग रही है वेलोसिटी की, ये नहीं हो सकता। टाइम है तो टाइम की, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की, कोई डाउट इसमें? तो देखो कैसे, टाइम की लिमिट कैसे लगेगी। इनिशियली जब बॉडी चली थी तो समय क्या था, 0, और फाइनली क्वेश्चन में टाइम क्या है, 2, तो टाइम की लिमिट क्या लगेगी, 0 से 2। तो देखो, टाइम की लिमिट 0 से 2, वेलोसिटी की लिमिट, इनिशियली जब बॉडी चली थी तो वेलोसिटी क्या थी, 2, और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है तो वेलोसिटी की लिमिट 2 से v। फिर से देखो, इनिशियली जब टाइम 0 था, ऐसे बोल लो जब टाइम की लिमिट 0 थी तो वेलोसिटी की लिमिट 2 थी, क्योंकि t = 0 पे वेलोसिटी 2 थी, और हम ये निकालना चाहते हैं t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, v। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है? इनिशियल वैल्यू नीचे आएगी, फाइनल वैल्यू ऊपर आएगी। तो ये इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू। बस अब ये परफेक्ट है। अब इसमें 1 dv की इंटीग्रेशन क्या है, 1 है ना, v, तो इसको 1 dv कर लेंगे, 3 बाहर आ गया, तो t की इंटीग्रेशन क्या, t² / 2, ये v बन गया लिमिट्स के साथ। तो एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार t की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो v - 2 = कितना, 6, तो v = ये 2 राइट पे भी जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 8। तो समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट आंसर है। अब इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, क्योंकि आपने इसमें क्या लगा दी, प्रॉपर लिमिट्स, उन लिमिट्स के बीच में ही क्वेश्चन चलेगा। अगर ये क्वेश्चन चेंज हो जाए a = 4, तो आप करेंगे इसका आंसर क्या होगा, लगाएं लिमिट्स और आंसर निकालें। तो पहला स्टेप वही रहेगा, एक्सेलेरेशन को क्या लिखेंगे, dv/dt = 4, या dv = 4 × dt।
ठीक, तो ये लिखेंगे। अब दोनों साइड्स की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में टाइम की इनिशियल लिमिट क्या है, जीरो, और फाइनल क्या है, टू। तो बोलो जीरो से टू, सही है। वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या है, टू, और फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, तो जीरो से वी। तो वन डीबी की इंटीग्रेशन इज वी, कहां से कहां तक, टू से लेके वी। फोर इंटू वन डी टी की इंटीग्रेशन इज टी, कहां से कहां तक, जीरो से लेके टू तक। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। लिमिट पुट करें, एक बार वी की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। 4 इंटू, एक बार t की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 8, तो v इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है, ये एक्चुअल मेथड है और सही तरीका यही है, लिमिट्स के साथ परफेक्ट आंसर आएगा। पर लिमिट्स आपको खुद लगानी पड़ती हैं फिजिक्स में, वो कैसे लगानी है, इसको सीखने के लिए आपको कम से कम 4-5 महीने लगेंगे। महीने बोला मैंने 4-5 क्वेश्चन नहीं बोला। कई बार बंदा सोचता है कि सर मेरे को लगानी नहीं आई, हर तीसरे दिन बोल दोगे सर लिमिट लगानी नहीं आई, वो नहीं आएगी समय के साथ। इसमें लगानी आ गई, डन। कल को ये क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा डन, फिर नेक्स्ट का नेक्स्ट देखेंगे। हर में मेरे को समझाना पड़ेगा, 25-30 बार मैं समझाऊंगा, तब जाके 26वीं बार आप लगा पाओगे। मैं लगा के देखता हूँ, लग रही है, मेरे को आ रहा है समझ में, कैसे हुआ। तो इतनी जल्दी क्विक उस पर ना आए, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहेगी, हर बार आपकी वेलोसिटी और टाइम में थोड़ी ना इंटीग्रेशन चलेगी। कल को क्या पता किस चीज़ में इंटीग्रेशन चल पड़े, लेंथ में चले, चार्ज में चले, करंट में चले, पता नहीं क्या होगा। तो टाइम के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा, पर ये क्वेश्चन में लगानी आ गई। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, तो फिर ये क्वेश्चन कर दें, इसका आंसर निकालें क्या है। तो a को क्या लिखेंगे, dv by dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो dv विल बी इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू dt। दोनों तरफ की क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये लो। तो दोनों तरफ की इंटीग्रेशन, और लिमिट्स देखें, टाइम की इनिशियल लिमिट क्या है, जीरो, फाइनल क्या है, टू। वेलोसिटी की इनिशियल लिमिट क्या है, टू, फाइनल लिमिट क्या है, वी। अब एक चीज नोट की आपने, सारी गेम ऑफ इंटीग्रेशन है। मुझे सिर्फ ये बताओ फिजिक्स में लग क्या रहा है, सिर्फ एक स्टेप पहला और ये बस, उसके बाद तो सारा कैलकुलस का ही काम शुरू हो गया। अच्छा ठीक है ना, यहां तक तो कैसे सोचते हैं समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इसमें ओपन करते हैं, ओपन करके इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, टू से लेके वी, थ्री कांस्टेंट टी स्क्वायर डीटी प्लस टू कांस्टेंट टी डीटी प्लस टू कांस्टेंट डीटी। ठीक, तो यहाँ से लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके टू, जीरो से लेके टू, जीरो से लेके टू। तो इसकी इंटीग्रेशन वी, 2 से लेके v, 3 इंटू इसकी इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3, 0 से लेके 2, 2 इंटू टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 2, और 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन टी 0 से लेके 2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक बार v की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, एक बार 2 का क्यूब माइनस 0, एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, 2 इंटू एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। तो v माइनस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 12 प्लस 4 कितना 16। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, ये 16 हो गया प्लस 2 18। क्या ये आप लोगों को आंसर आया है, समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे कर रहे हैं। तो इसके इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा उसको मार्क कर देना। कोई डाउट इसमें,
ये क्लियर है, ये क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया 3 2 2, तो टी स्क्वायर की टी क्यू बाई थ्री, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, इसकी टी लिमिट्स पुट कर लो आंसर। कैसे? मैंने चेक नहीं किया कभी, मैं तो ब्रेक ही करता हूँ। ठीक, वैसे आ जाएगा, वैसे आ जाएगा। क्वेश्चन है, ये जो होमवर्क दिया था उसकी असाइनमेंट का भी है, हुआ किसी से वैसे ये? नहीं हुआ था, हुआ था? ठीक है, चलो एक डाउट तो हो गया कम से कम आपका, क्लियर, एक डाउट तो हो गया, क्योंकि ये अभी मेथड हमने किया नहीं था इसलिए थोड़ा अटका होगा, बट समझ में आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस गिवन है, क्या निकालनी है? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी कैसे निकालनी है, जब टाइम जीरो था तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट क्या थी? थ्री। जब टाइम टू सेकेंड है आपको बॉडी की डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो बताना तो एक्स ही है ना, तो वी से एक्स निकालना है, तो एक बार क्या करनी पड़ेगी? इंटीग्रेशन। तो वी की जगह क्या पुट करेंगे? डी एक्स बाई डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। अब लिमिट देखो, जब टाइम की लिमिट जीरो है और फिर टाइम की लिमिट टू है, तो लिमिट क्या लगेगी? जीरो से टू। यहां पर अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो लिमिट किसकी लगेगी? एक्स की लगेगी। एक्स की लिमिट क्या लगेगी? पहले डिस्प्लेसमेंट तीन है, फाइनल आपको निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट तीन है, फाइनल आपको निकालनी है, तो तीन से एक्स टू। कोई डाउट इसमें? स्टेप क्लियर है? वन डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स, टू बाहर आ गया, टी की इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू, टू से टू कैंसिल, लिमिट पुट करते हैं, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट थ्री, यहां पे एक बार अपर लिमिट टू, एक बार लोअर लिमिट जीरो, फोर थ्री इधर चला गया, तो आंसर इज सेवन। ले लो, मैं कॉन्स्टेंट्स को बीच में रखता ही नहीं हूं यार, मेरे को ना कंफ्यूजन होती है, ना मैं कांस्टेंट रखूं ना मैं माइनस रखूं, माइनस है तो मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती है, दोनों बाहर निकालो, अब बिल्कुल साफ एक्सप्रेशन आता है पॉजिटिव क्वांटिटी, अब आसान हो जाता है ना, ऐसे होता है ना, माइनस साइन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, इसका आंसर v से x निकालने का आंसर 11, सॉरी एक मिनट, तो इसमें वेलोसिटी की जगह डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर, डी एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर इंटू डी टी, दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन करेंगे, वन डी एक्स टी स्क्वायर डी टी, और लिमिट टाइम की लिमिट जीरो और फाइनल टाइम टू, एक्स की लिमिट वन, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स निकालनी है। ठीक है, वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या है? एक्स, वन से लेके एक्स तक, टी स्क्वायर की क्या है? टी क्यूब बाई थ्री, जीरो से लेके टू तक, सही, एक बार एक्स की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, इज इक्वल टू एक बार अपर लिमिट टू क्यूब बाई थ्री और एक बार लोअर लिमिट, ये लो, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एट बाई थ्री, एक्स इज वन प्लस एट बाई थ्री, आंसर 11 बाई थ्री मीटर इज द आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, कैसे करना है इसे? कोई डाउट इसमें? कहां पे? x1 का मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ x, x2 का मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ x, जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं,
तो इनिशियल वैल्यू ऑफ x 1, फाइनल वैल्यू निकालनी है ऐसे, यहां पुट करनी है इनिशियल फाइनल। तो समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी है, इसका आंसर 7/7। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर लें, dx/dt इज इक्वल टू 3+4×t, और फिर से एक बार dx इज इक्वल टू 3+4t×dt, इसे करते हैं इंटीग्रेट, टाइम की लिमिट पुट करते हैं 0 से लेके 1, और एक्स की लिमिट पुट करते हैं 2 से लेके x। ठीक, तो यहाँ पर 1 dx की इंटीग्रेशन 2 से लेके x, 3 dt की इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 4 कॉन्स्टेंट t dt की इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। क्या स्टेप क्लियर है? तो यहाँ पर इसको कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकालते हैं, ये 1 dx है 2 से लेके x, 3 बाहर आ गया, ये 1 dt है 0 से लेके 1, 4 तो चलो कॉन्स्टेंट है ही, ये t dt है 0 से लेके 1। इसके इंटीग्रेशन करते हैं, लेफ्ट साइड पे बनेगा x, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके x, राइट साइड पे 3×t की वैल्यू 0 से लेके 1, 4×t की इंटीग्रेशन t² बाई 2 0 से लेके 1। तो यहां पर अब क्या बनेगा, x-2 इज इक्वल टू 3t-0, ये 2 हो जाएगा, 2×1² - 0² तो x-2 और t की जगह क्या आएगा, 1, ये 1 है, तो 3+2, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 5+2 यानी कि 7 meter इज द आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप ही को करना है, आप मेरे से 100 question करवा लो, इसके नोट्स बना लो, तब भी कुछ ना होगा, इससे बेटर इंटीग्रेशन ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फिर इसकी टेंशन ही नहीं ना। अब जिसको ये चीज़ आती है उसको क्या टेंशन है, वो तो आराम से रिलैक्स करके बैठा है कि ठीक है इतना तो कर ही लेंगे। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैलकुलस कितना इंपॉर्टेंट है, हर तीसरी बात कैलकुलस से जुड़ी हुई है। टीचर क्यों डालेगा इसमें से, कुछ क्यों डालेगा, वो तो वैसे ही आप कर ही नहीं पाओगे फिजिक्स को एकदम बिना कैलकुलस के। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें इसे एक बार ख़त्म करते हैं, ये लो।